हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तुलसी के बारे में। दोस्तों, तुलसी का शाब्दिक अर्थ है अतुलनीय पौधा। तुलसी भारत में सबसे पवित्र जड़ी बूटी मानी जाती है और जड़ी बूटियों की रानी भी कहलाती है। यह एशिया के दक्षिण भाग जैसे थाईलैंड, भारत और हिंदू प्रभावित देशों में पाई जाती है। इसके प्रभावी फायदों के कारण ये भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जानी जाती है। दोस्तों, तुलसी के पत्तों और फूलों में कई ऐसे केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो बीमारी को रोकने और स्वास्थ्य को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये कम कैलोरी वाली जड़ी बूटी एंटीऑक्सीडेंट्स जलन और सूजन को कम करने और जीवाणुरोधी गुणों से संपन्न है। इसके अलावा ये विटामिन ए, सी और के, मैग्नीज, तांबा, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे आवश्यक तत्वों से परिपूर्ण है। ये सभी तत्व आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं तुलसी के ऐसे फायदों के बारे में कि हमें ये किस प्रकार के रोगों में किस प्रकार ली जानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरी हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, बदलते मौसम में खांसी होना एक आम समस्या होती है। तुलसी खांसी के सिरप में एक महत्वपूर्ण घटक होता है, तो इसलिए बजाय सिरप खरीदने के आप घर पे ही एक अच्छी घरेलू औषधि बना सकते हैं जो उतनी ही असरदार होगी। इसके लिए 8 तुलसी के पत्ते, 5 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च को लेकर पैन में पानी गर्म कीजिए और जब पानी आधा रह जाए तब उसको ठंडा होने के लिए रख दें और ठंडा होने के बाद आप उसे पी सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आप अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बनी चाय का सेवन आप दिन में 2 से 3 बार करिए, आपकी खांसी कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुलसी के पत्ते बुखार और जुखाम के इलाज में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सर्दी और जुखाम में राहत के लिए तुलसी के 8 से 12 ताज़ा पत्ते चबा सकते हैं। बरसात के मौसम के दौरान मलेरिया और डेंगू के बुखार का खतरा होता है, ऐसे में पानी में उबालने के बाद तुलसी की कोमल पत्तियों का सेवन करें। यह आपको इस प्रकार के बुखार से सुरक्षित रखेगी। जब आप तीव्र बुखार से पीड़ित हों, तुलसी की पत्तियों को 1 कप पानी में इलायची पाउडर के साथ उबालकर काढ़ा बनाकर दिन में कई बार पिएं। तुलसी के पत्तों का रस तेज बुखार को कम करने में आपकी मदद करेगा। साथ ही सर्दी जुकाम में तुलसी, अदरक, काली मिर्च की दूध वाली चाय पीने से बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। तुलसी के पत्ते तनाव को दूर करते हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि तुलसी की पत्तियां तनाव को कम करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार तुलसी के 10 से 12 पत्तों को दिन में 2 बार चबाने से तनाव को दूर करने में मदद मिलती है। तुलसी के पत्ते ब्लड प्यूरीफायर का भी काम करते हैं, इसलिए हमें दिन में 2 बार 10 से 12 पत्तों को चबाना चाहिए। तुलसी के पत्ते नियमित रूप से खाने से ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तुलसी का उपयोग श्वास संबंधी विकारों के इलाज के लिए भी किया जाता है। अस्थमा उनमें से एक है। यह एक अन्य समस्या जैसे ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के संक्रमण का इलाज करने में भी मदद करती है, जो मुख्य रूप से इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि तुलसी में विभिन्न रासायनिक यौगिक शरीर में संक्रमण से लड़ने वाली एंटीबॉडीज़ के उत्पादन में 20% तक वृद्धि करते हैं। 100 ग्राम ताज़ा तुलसी की पत्तियां विटामिन ए की दैनिक उचित खुराक होती हैं। विटामिन ए में एंटीऑक्सीडेंट गुण है जो आँखों की स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ताज़ा तुलसी का रस आँखों की सूजन और नाइट ब्लाइंडनेस के लिए बहुत ही अच्छा है, जो आमतौर पर विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आँखों की सूजन के लिए प्रतिदिन सोने से पहले प्रभावित आँख में तुलसी के रस की 2 बूंदें अवश्य डालें, इससे आपको बहुत ही जल्द आराम होगा। इसके लिए आप तुलसी के अर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि तुलसी की कुछ पत्तियों को गर्म पानी में डालना है और उसको 5 से 10 मिनट तक के लिए ढककर रख देना है। फिर उस पानी को छान लेना है और उसे अपनी आँखों में डालना है।
तुलसी ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ये सांस, पायरिया और अन्य मसूड़े से संबंधित बीमारियों को ठीक करने में भी हमारी मदद करती है। इसके लिए आपको तुलसी को बिल्कुल डायरेक्ट नहीं चबाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, तुलसी की पत्तियों को 1 से 2 दिन के लिए धूप में सुखा दें और सूखने के बाद उसका पाउडर बना लें और इसका इस्तेमाल अपने दांत ब्रश करने के लिए करें। आप सरसों के तेल के साथ पाउडर मिक्स करके एक प्राकृतिक टूथपेस्ट भी बना सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल बुरी सांस से छुटकारा पाने के लिए अपने मसूड़ों की मालिश भी कर सकते हैं। तुलसी सिर दर्द के लिए भी एक अच्छी दवा है क्योंकि ये मांसपेशियों को आराम देती है। तुलसी और चंदन के पेस्ट को माथे पर लगाने से तुरंत तनाव और तंग मांसपेशियों की वजह से हो रहे दर्द से राहत मिलती है। आप इसके लिए दिन में 2 से 3 बार तुलसी की चाय भी पी सकते हैं। तुलसी की चाय बनाने के लिए आप 1 कप उबलते पानी में कुछ ताज़ा तुलसी की पत्ते डाल दें और कुछ मिनट के लिए रहने दें और फिर उस चाय को छान लें और फिर उस चाय को धीरे धीरे आराम से पिए और इससे आपका सिर का दर्द थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तुलसी आपके पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। आप इसकी पत्तियों से तुलसी का रस निकाल कर पेट में दर्द के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के रस की 3 से 4 चम्मच अदरक के रस की समान राशि के साथ मिलाकर पीने से तुरंत पेट के दर्द को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा अन्य आम पेट की संबंधित समस्याओं जैसे कब्ज, अपच, बवासीर और अम्लता या महावारी की पीड़ा को कम करने के लिए भी आप तुलसी की चाय पी सकते हैं। दोस्तों, तुलसी की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन सर्दियों के मौसम में ही करने की सलाह दी जाती है। तुलसी को गर्मियों के मौसम में भी खा सकते हैं, पर इसका अधिक सेवन करने से आपको कई समस्या हो सकती हैं, इसलिए गर्मियों के मौसम में इसका सेवन एक नियमित मात्रा में ही करें, अर्थात इसकी आप 8 से 10 पत्तियों से ज़्यादा इसका सेवन नहीं करें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इसी के साथ, अगर आप हमसे इससे संबंधित कुछ जानकारी पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी ऐसी ही अगली किसी हेल्थ और ब्यूटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।